Ladies and gentlemen, let me introduce India ka intelligent smartphone presenting the Jio phone. तो कल जियो का फोन लॉन्च हो गया जिसका नाम है जियो फोन और आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे। लॉन्च इवेंट में मुकेश अंबानी जी ने हमें कुछ बातें बताई, जैसे कि टोटल 78 करोड़ फोन्स इंडिया में यूज होते हैं जिसमें से 50 करोड़ फीचर फोन्स हैं। जियो के लॉन्च के बाद डेटा कंजम्पशन इंडिया में 20 करोड़ से 120 करोड़ हो गया और इंडिया डेटा कंजम्पशन के मामले में चाइना और यूएस से आगे निकल गया। तो चलिए अब फोन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात प्राइसिंग की बात करें तो आपको पहले 1500 का डिपॉजिट करना पड़ेगा, फिर आपको फोन मिलेगा और फिर अगर आपके पास 3 साल तक फोन सही सलामत रहता है बिना डैमेज के तो आप फोन को रिटर्न करके अपने 1500 रुपए वापस ले सकते हैं। दूसरी बात डेटा प्लान की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा 153 रुपीज का प्लान जिससे आपको हर रोज 500 MB डेटा 28 दिनों के लिए भी मिलेगा। अगर आप ₹309 का प्लान लगवाते हैं तो आपको अपने टीवी पर जियो फोन का कंटेंट स्ट्रीम करने को मिलेगा। तीसरी बात तो इसमें सारे के सारे आपको जियो एप्स प्री लोडेड मिलेंगे जैसे कि जियो सिनेमा और जियो म्यूजिक। देखने वाली ये भी बात होगी कि इसमें कोई ऐप स्टोर रहता है कि नहीं जिससे हम एप्स जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और गेम्स इंस्टॉल कर सकें। कॉल किरण। When is Ganesh Chaturthi? Ganesh Chaturthi is on Friday, 20th. चौथी बात इसमें गूगल नाउ की तरह एक असिस्टेंट भी होगा जिससे आप वॉइस कमांड दे सकते हैं और बहुत सारे काम करा सकते हैं जैसे कि आप वॉइस कॉलिंग सिर्फ अपनी वॉइस कमांड से कर सकते हैं, मैसेजिंग कर सकते हैं, म्यूजिक और वीडियोस को प्ले कर सकते हैं। अभी तक हमें जितना पता है उसके हिसाब से इसमें व्हाट्सएप सपोर्टेड नहीं है और इसमें वाईफाई हॉटस्पॉट भी सपोर्टेड नहीं है। तो अगर आप जियो फाई से इसको यूज करना चाहेंगे तो आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल। तो जियो फोन को एक ₹0 फोन की तरह प्रमोट कर रहा है लेकिन आपको पहले ₹1500 का डिपॉजिट करना होगा। अगर 3 साल बाद ये सलामत रहता है फोन तब आपको वो ₹1500 वापस मिलेंगे। लेकिन देखने वाली बात है कि तीन साल तक आपका फोन बिना डैमेज के सही सलामत रहता है कि नहीं, क्योंकि चांसेस बहुत कम है 3 साल तक वो भी एक फीचर फोन सही सलामत रहे तभी आपको 1500 वापस मिलेंगे।